सेंट्रल एटम आप पता करेंगे, सेंट्रल एटम वो होगा इनमें से, पहले बात तो ये कि जो मिनिमम नंबर में होगा, जो सबसे कम होगा, ऑक्सीजन सबसे कम है वो सेंट्रल एटम होगा। चलिए तो ऑक्सीजन को बीच में रखे और तीन हाइड्रोजन है, तीनों तरफ लगा दिया हाइड्रोजन हमने, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन तीनों तरफ लगा दिए। आंख बंद करके सबके साथ आप सिंगल बॉन्ड बना दे, सबसे पहले आपका काम ये है, बिना कुछ सोचे समझे आप सिंगल बॉन्ड बना दे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो टोटल छह इलेक्ट्रॉन से बने होंगे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिक्स हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिक्स हो गए। टोटल में से बॉन्ड पेयर को घटा दो तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, खत्म। अब ये बताओ 8 - 6 2, अब ये टू इलेक्ट्रॉन जो आए ये किसमें यूज होते हैं, पहली बात तो ये कि कॉर्नर एटम क्या ऑक्टेट या डबलेट को पूरा करने में, पहली चीज कि कॉर्नर एटम का टू कंप्लीट ऑक्टेट, और अगर डबलेट है तो डबलेट ऑफ कॉर्नर एटम्स, ठीक। दूसरी बात, अगर उसमें भी हो गया काम, बच गया नहीं तो उधर, नहीं तो आप सेंट्रल एटम में उसकी उसमें यूज करते हैं फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, खत्म बात। तो आपने पहले तो कॉर्नर एटम का जरूरी वो होता है तो उसका ऑक्टेट पूरा कर लो, ऑक्टेट डबलेट है तो दो 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 पूरा है, ऑक्सीजन का कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ भाई ऑक्सीजन का कितना है, 6 इधर और 2 इधर ना, 8 हो गए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 2 दे दिए इसको तो, यस सर, 2 दे दिए तो ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, ये 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 6 और 2 8, और प्लस साइन हम हमेशा सेंट्रल एटम पे लगाते हैं जब भी आपको आयन दे केटाइन वाला, तो पॉजिटिव में मत सोचना। अब हम आगे एक फॉर्मूला बताएंगे जिसमें हम लोग सब पे चार्ज निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो अभी एक ही बार बताएंगे हम। चलो जरा आप लोग एक और बना के देखें, जरा हम लोग कई सारे बनाएंगे, NH4+ बनाइए जरा, NH4+। जल्दी कोशिश करिए, कॉपी निकालिए, जिसको पता है वो जल्दी समझ गया वो करेगा, जो नहीं समझा है मेरे साथ लगेगा रहेगा देखेगा। हाँ तो Q निकालेंगे सबसे पहले, Q की वैल्यू कितनी होगी नाइट्रोजन के लिए, आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 का मतलब 2.5, तो 5 होता है 5, 5 प्लस हाइड्रोजन कितने 4, तो एक एक का एक होता है तो 4, प्लस आ रहा है तो माइनस कर देते हैं 1, कितना आ जाएगा 5, 4, 9 - 1, 8, क्यू की वैल्यू 8 हो गई। अब क्या करेंगे, दूसरा काम होता है हमारा इसको बनाना, सेंट्रल एटम क्या है, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल हो गया तो बीच में रख दिया, नाइट्रोजन सेंट्रल है बीच में रख दिया, हाइड्रोजन 4 है, चार लगा दिया, ठीक। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा अब हमें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए सर, 8 - 8 0, अब 0 हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो भैया देख लो ऑक्टेट जरा पूरा है क्या, हाइड्रोजन का तो डबलेट पूरा है, ठीक है, खुश है खुश है खुश है खुश है, नाइट्रोजन भी खुश है, 2 4 6 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा है।
अब प्लस साइन किसको देंगे? प्लस साइन हमेशा हमेशा सेंट्रल एटम को, एन को देंगे। खत्म, ये बन गया आपका आदर्श। समझ में आया? यस सर। चलो जरा बनाओ, अब आप बनाओ मेरे को CO2 बनाओ, चाहे NO3 माइनस बनाओ। चलो पहले चलिए जरा बनाइए सभी लोग अपने से NO3 वन माइनस। जल्दी करें, बन गया। हो गया ये सबका, बन गया अदिति? यस सर। किसका नहीं बना बताएगा मेरे को, किसको समस्या आ रही है? सर मेरा नहीं बना सर। क्यों आ नहीं रहा समझ? क्या नहीं आ रहा है ये तो बताओ, क्या किया तुमने पहले बताओ? क्यों निकाला सर? क्यों आर निकाला? चलो ठीक है, क्यों कितना निकाला, कहीं से कितना आएगा? 24 आया सर। 5 आएगा इसका प्लस 18 आ जाएगा। यस सर। और प्लस 1 यस 24। अब पहले इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। यस सर। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना दो। चलो तीन नाइट्रोजन है, तीन ऑक्सीजन लगे तो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
दो दो चार दो छः, तो 24 माइनस छः कितने 18। अरे सॉरी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कितने हो गए? छः हो गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे कॉर्नर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18। 24 माइनस 6 18। पहले तो क्या करेंगे इस 18 को हम लोग किस में? अब क्या नहीं बोल रहे उदित? यस सर। हाँ तो बोलो ना, कहे चुप हो गए? अब क्या किया रहे हुए? यहाँ तक बना लिया था? यस सर, इतना ही आया था बस। अब इतना ही क्यों आया था? अब इसको बताया था ना कि 18 को यूज करते हैं हम लोग दो काम में। पहले यूज करते हैं कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करने में। तो ये कॉर्नर है ऑक्सीजन है कॉर्नर एटम, ये ऑक्सीजन कॉर्नर एटम और ये ऑक्सीजन कॉर्नर एटम। ये बताओ इसका ऑक्टेट पूरा है क्या ऑक्सीजन का? ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं सर, एक दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको दो इलेक्ट्रॉन कितने देंगे? छह देने दें। तो एक, इसको छह इलेक्ट्रॉन दो पहले, इसको छह इलेक्ट्रॉन दो। चलो पहले तो छह, एक दो तीन चार पांच छह, ऑक्टेट पूरा इसका। अभी तुम्हारे पास 12 और बचे हैं तो इसको भी छह दो, एक दो तीन चार पांच छह, छह 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 बारह, और छह और बचे हैं इसको भी दो, एक दो तीन चार पांच छह। खत्म हो गए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन? यस सर। तुमने क्या किया? ऑक्टेट पूरा किया किसका? ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट पूरा तुमने किया। अब ये बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं सर। कितना है अभी नाइट्रोजन? है? सर अभी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और होगा। अरे कैसे डबल बॉन्ड और होगा सर? दो बच्चे सर। अभी कितना है? अभी मेरे को बताओ। सिक्स। अभी दो दो चार और दो छह, दो इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है। तो क्या करोगे भाई अदिति? क्या करोगी? क्या करोगे आप उदित? यस सर। क्या करोगे? क्या करेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, कोई भी तीनों ऑक्सीजन में से कोई इसी दो इलेक्ट्रॉन को उतार के यहां पे बॉन्ड बना दो। वही बोला था ना मैंने, पाई या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड और बन गया और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो। कर सकते कि नहीं कर सकते सर? उसके इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाएंगे? अरे तो अभी भी तो काउंट होंगे बाबा उसके में, देखो बॉन्ड तो उसके लिए भी है। अरे भाई ये दो इलेक्ट्रॉन उतार के यहाँ पे रखे तो ऐसा थोड़ी हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन के लिए काउंट होंगे। अब ये शेयरिंग में है तो मतलब ये लोन पेयर था, इसको हमने शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवा दिया। यस सर। हमने लोन पेयर था, केवल ऑक्सीजन के पास काउंट हो रहा था, अब इसको हमने शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवा दिया तो ये नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऑक्सीजन के लिए काउंट नहीं होगा, ऑक्सीजन के लिए तो काउंट होगा ही, नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होगा, इसलिए ये किया। और ये आप किसी के साथ कर सकते थे, तीनों में से कोई भी। मैंने इसके साथ किया, आप इसके साथ कर सकते थे या नीचे वाले के साथ कर सकते। किसको समझ में नहीं आया बताइए मेरे को आदर्श? यस सर। आगे अदिति? यस सर। किसको नहीं आया भाई बता दे मेरे को, एनी वन ऑफ यू, कोई भी हो ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसा हो? चलो यश गुप्ता ठीक है? तो हाँ सर ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन हमने उतार दिया यहाँ पे मतलब इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, इसे बदल जाएगा थोड़ा, इसका रूप बदल जाएगा लेकिन ऐसे लिख देंगे, जरा समझिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आप किसी के साथ भी कर सकते थे बेटा, जरूरी नहीं है मैंने इसके साथ किया तो इसी के साथ, नहीं जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो एक दो तीन चार, ठीक। इसके पास सिंगल बॉन्ड तो इसके पास छह इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छह,
इसके पास सिंगल बॉन्ड, तो एक दो तीन चार पांच छह। अब जरा काउंट कर लीजिए, सबका ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, सबका पूरा है ठीक। अब हमको दिया था एनओ थ्री के ऊपर वन माइनस, अब माइनस चार्ज किस पे लगेगा ये तो समस्या है भाई। ये माइनस चार्ज कॉर्नर पे आया था, मैंने बताया था कि ये कॉर्नर एटम पे आएगा, सेंट्रल पे नहीं आएगा। माइनस चार्ज जो है ये सेंट्रल एटम पे नहीं आएगा, ये मैंने बताया था, कॉर्नर पे आएगा। तो कॉर्नर पे तीन तीन ऑक्सीजन है, किस पे आएगा? इसको समझने के लिए आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज। इसको समझने के लिए आपको एक और फॉर्मूला सीखना पड़ेगा बेटा, उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, सभी पे चार्ज निकालेंगे, सब पे चार्ज निकालेंगे, फिर हम पता कर लेंगे किस पे माइनस है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज को एफ वी भी कहते हैं, फॉर्मल एफ सी कहते हैं, सॉरी फॉर्मल चार्ज को एफ सी। फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू जिसका भी निकाल ले हो उसकी बात कर रहे हैं। मान लिया कि इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ऐसे। तो जिसका भी निकाल रहे हो बेटा, एक एटम का निकालोगे उसका वैलेंसी, मतलब उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ठीक, माइनस माइनस लोन पेयर, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ध्यान से देखना एक बार में, बस दिमाग में चला जाएगा तो काम खत्म। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय ये होता है फॉर्मूला भाई फॉर्मल चार्ज का। ये क्या है, वी क्या है, वी तो पता है ना सबको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ये टू पूरी पे है डिवाइडेड, नहीं केवल बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये जो डिवाइड किया है टू से, इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लो अभी, फॉर एफ सी को वी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एल पी ई माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू, ये है फॉर्मूला भाई। चलिए अब सब पे चार्ज निकालिए, क्या बना था एक बार स्ट्रक्चर इधर ही बना लो। तो क्या था, एन डबल बॉन्ड ओ, एक दो तीन चार ओ, एक दो तीन चार पांच छ ओ, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मान लो अपने मन से, जिसको मानना है, इसको मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं सेकेंड, इसको मैं थर्ड और इसको मैं फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज निकाले हम, तो सबसे पहले फर्स्ट का निकालिए। चलिए तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट का निकालिए, कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, छह, छह होते हैं कि नहीं होते हैं उदित? यस सर, छह लिख दिया, सिक्स वैल्यू लिख दी, ठीक है, वैलेंस शेल में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ इसके पास कितने, एक दो तीन चार पांच छ, छ है या नहीं है? यस सर, इलेक्ट्रॉन बताना है लोन पेयर के, एक दो तीन चार पांच छ, फर्स्ट वाले के छ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में उदित? यस सर। अब बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? टू। बॉन्ड पेयर में एक ही बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन है, टू डिवाइडेड बाई टू, क्या आ जाएगा ये, सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन, तो ये खत्म हो गया, माइनस वन आ गया, माइनस वन आ गया। यस सर।
चलो अब दूसरे वाले का निकालो, एक मिनट जरा रुको, दूसरा तीसरा ऐसे फोर्थ तक का निकालो बेटा सभी लोग अपने मन से। सर हो गया सर डन। कितना कितना आया भाई FC2 कितना आया? जीरो तो माइनस वन। FC2 माइनस वन। माइनस वन। FC2 जीरो आया तो माइनस वन आया। माइनस वन आया। माइनस वन आएगा भाई? किसका जीरो आया? किसका जीरो आया जल्दी बताओ, हम बताना पड़ेगा ना बेटा, पहली बार है। पूजा। पूजा कैसे जीरो आया देखो जरा, चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, देखिए जरा क्या है इसपे कितना। एकदम ऐसी स्थिति है तो इसकी भी, अरे भाई इसकी स्थिति बिल्कुल फर्स्ट जैसे है नहीं, बताओ पूजा। सर जो आपका थर्ड है वो मेरा सेकंड है इसलिए। अच्छा अब अपने मन से तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज कर दी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक, अदिति आपका आया है ये सेकंड का टू, अरे सेकंड का ये माइनस वन चार्ज आया। हाँ सर आ गया। थर्ड वाले का बताओ कितना आया आपका? जीरो। थर्ड वाले का जीरो आएगा, वेरी गुड। एफसी थर्ड वाले का जीरो आया। फोर्थ वाले का? अरे तुम जे बताओ वो सब बात छोड़ो, ये तो डिटेल में जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, इतना कोई उससे वो बताएगा नहीं, ठीक हम बता रहे पर समस्या न लो उसकी। लेकिन ये एफसी फोर का कितना आ रहा है, वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आदर्श आया आपका कि नहीं? नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा? सर समझ में नहीं आया। नहीं तो एक भी नहीं निकाल पाए आप, मतलब एक भी नहीं निकल पाया ना सर, ये तीन ऊपर वाले आ गए थे सर, ये नहीं आया। अरे उदित तुम तो रुको, तुम तो निकाल लियो ना, वन आया ना वैल्यू तुम्हारा कि वन भी नहीं आया? नहीं आया सर, माइनस थ्री आया। अच्छा माइनस थ्री आया, चलो ठीक है। आयुष आपका, आदर्श आपका बताओ, आपकी समस्या कहाँ से है, शुरू से की केवल इसी में है? सर एफसी फोर में है। एफसी फोर में आयुष की, आपकी भी? यस सर। आदर्श आपकी किस में, फोर में की वन में की टू सब में? सर सब में। सब में, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहीं पे थे कि कहीं गए थे घूमने के लिए है? क्लास में थे आप कि घूमने कहीं चले गए थे बीच में, बताइए बताओ, सही सही बताइयो, झूठ मत बोलियो टीचर से। गए थे ना कहीं, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आदर्श घूमने?
चलो भाई। हाँ आदर्श कहाँ गए थे बताओ? आदर्श यस सर कहाँ चले गए थे बीच में घूमने के लिए? चाय पीने? वो गए तो थे, अब इसको तुम गए थे इसीलिए तुम बोल नहीं रहे हो, हैं? इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन कहाँ गए थे बोलो। चलो चलो ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो निकाल लेते हैं हम। एफसी फर्स्ट, फर्स्ट वाले में फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है जरा देखिए ऊपर। वी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन उस एटम के, ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, बताओ आप ही बोलोगे आदर्श, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, जल्दी बोलो, अनम्यूट रखो अपना, बोलो जल्दी। सिक्स। ठीक, अब ये बताओ कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने इसके ऊपर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है? यस सर। छ, फिर माइनस और करना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू, तो बॉन्ड पेयर तो एक यही है ना, एक इसका केवल केवल यही तो बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, बॉन्ड पेयर नहीं पूछ रहा है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे, तो टू और डिवाइडेड बाई टू, तो टू टू कैंसिल वन आ जाएगा, तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो यस और नो? अब इसी तरीके से एफ सी टू टू का भी एकदम सेम, देखो जरा एक बार ध्यान से, सेकेंड वाले ऑक्सीजन का भी एकदम सेम स्थिति, एकदम बिल्कुल वैसे ही है कि नहीं? छह देखो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसके भी आउटर मोस्ट पेयर में छह ही है, यही डेटा आएगा, सिक्स माइनस सिक्स माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, आएगा नहीं आएगा? आएगा। एफ सी थ्री का नहीं आएगा वैसे, लेकिन एफ सी थ्री की कंडीशन अलग है, देखिए जरा, थ्री वाला ये ऑक्सीजन है, इसका देखो पहले तो वैलेंस सेल में उतने ही रहेंगे सिक्स, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक दो तीन चार हो गए, चार माइनस बॉन्ड पेयर बढ़ गए, कितने हो गए चार, अरे दो बॉन्ड मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने, चार, फोर बाई टू कितना आ जाएगा, टू बाई टू टू आ जाएगा, तो माइनस फोर माइनस टू, सिक्स माइनस फोर माइनस टू जीरो हो जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। अब एफ सी फोर निकालना है लास्ट, एफ सी फोर नाइट्रोजन का है, बताओ नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो जल्दी बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फाइव। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है क्या, लोन पेयर है क्या, जीरो। बॉन्ड पेयर कितना है, एक दो तीन चार, इलेक्ट्रॉन कितना आठ, डिवाइडेड बाई टू, टू फोर जा एट, फाइव माइनस फोर वन, बताओ ये आयुष। सरवन अरे तो तुम्हें नहीं आया था ना एफसी फोर, सर आ गया। उदित यस सर। हाँ आदर्श सब बताइए। सर आ गया। अब ये बताइए मेरे को, सबका चार्ज लिख लीजिए, आ गया तो चलिए कोई बात नहीं, किसी कोई है अभी भी बचा जिसको ना आया हो प्लीज टेल मी। इस पे आ गया माइनस वन, इस पे आ गया माइनस वन, इस पे आ गया जीरो, और इस पे आ गया प्लस वन। तो ये बता पूरी स्पेसी के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा बेटा, नेट चार्ज क्या होगा सर? सबको ऐड करना। अरे भाई सबको आईडी करोगे तो और क्या, नेट चार्ज की आईडी करोगे सर? प्लस वन आएगा। प्लस वन कैसे आएगा भाई साहब, कौन कह रहा है प्लस वन आएगा, दो माइनस हैं और एक प्लस वन है, तो माइनस वन आएगा नेट चार्ज, माइनस वन आएगा, वन आएगा सर, माइनस वन आएगा सर। क्या कर रहे हो उदित,
नेट चार्ज माइनस, एक प्लस एक माइनस को खत्म कर देगा, बच जाएगा माइनस, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, यस और नो? यस और नो? अब एक प्लस वाला इस माइनस वाले को खत्म कर देता है, आप कोई भी एक मान लो, या तो ये प्लस इस माइनस वाले को खत्म करेगा, या तो ये प्लस इस माइनस वाले को खत्म करेगा, तो इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी एक के ऊपर आप माइनस लगा दो, इज इट ओके? यस और नो? तो माइनस वन वाले पे। अरे भाई साहब ऐसे था, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को ना, देखो जरा, देखो जरा क्या बनाया था हमने, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ छोटा देता हूं मैं, केवल बॉन्ड बताता हूं, ठीक है? इधर पे सिंगल बॉन्ड, इधर पे सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस वन आ रहा था, इसके ऊपर माइनस वन, इसके ऊपर माइनस वन, ठीक है? यही तो था, ये प्लस वन, ये माइनस, और ये एक माइनस, तो ये प्लस ये माइनस अगर खत्म हो जाता है तो यहां पे माइनस बचेगा, ठीक है? बताओ बताओ। Sir. अगर आप ये मान लेते हो कि ये प्लस और ये माइनस खत्म कर देते हो, ये माइनस बचेगा, तो आपके ऊपर है, आप किसको मान लेते हो? आप या तो इसके ऊपर भी माइनस दे सकते हैं, आप इसके ऊपर भी। बात समझ में आई सभी लोगों को? यस और नो? यस सर। तो इसका इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी के ऊपर भी दे सकते हो, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ इसके ऊपर माइनस देना है, माइनस देके छोड़ दो काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस नहीं दिया, इसलिए एक क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये माइनस के साथ खत्म हो गया। ओके बताओ, यस हाँ आदर्श समझ में आया? यस सर। पक्का? अदिति, स्नेहा? Yes, sir. गौरव? Yes, sir. किसी की कोई समस्या है प्लीज आस्क, नहीं है तो हम अगला क्वेश्चन दे आपको। ओके आगे बढ़े, डन। CO3 2 माइनस करो जरा, चलो और एक काम करना, H3O प्लस वाले फॉर्मल चार्ज सबका निकाल के देखना, तो किस पे आएगा? H पे ही आएगा बेटा, प्लस वन चार्ज, नेट प्लस वन उसी पे आएगा, आप देख लेना कैलकुलेट करके बाद में। अभी आप काम करो, अभी आप एक काम करो, इसका काम करो, आप इसका बनाओ स्ट्रक्चर CO3 2 माइनस का। चलिए बनाइए भाई,
सर हो गया। हो गया भाई सबका, बताइए। यस सर। सर हो गया। अदिति। यस सर। पक्का हो गया, सही बताइयो। हाँ सर। आदर्श। 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 ये लड़का बोलता ही नहीं है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। सर हो गया। सबका हो गया। उदित। उदित। यस सर। हो गया नहीं हुआ? हम तो चाहते हैं सुनने, किसी से मुंह के मुंह से सुने हम कि नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। हाँ तो हम यही जानना चाहते थे कि किसका नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, चल देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है बेटा आपसे। सर लास्ट में माइनस टू चार्ज आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या। तो फॉर्मल चार्ज निकाला आपने सब पे? यस सर। तो किसी पे नहीं आया माइनस वन माइनस वन? सर आया माइनस वन जीरो और जीरो, सबका ऐड किया तो माइनस टू आ रहा। आप क्या करना सर? अरे यार भाई साहब कर तो लिए क्वेश्चन, तुम्हारा तो खत्म। जहां जहां पे माइनस वन आ रहा है वहां पे माइनस वन होगा, नेट चार्ज माइनस टू है और वही यहाँ पे दिखा रहा है माइनस टू। सर किसी एक पर माइनस टू लिख दे। किसी एक पे नहीं बेटा, किसी जिस पे जितना आ रहा है वही वैल्यू है उसकी। यस सर। जिस पे जितना आएगा वही लिखना है, ये चीज उससे बनी है ये कहना चाहते हैं हम। देखो जरा, देखो जरा क्यू की वैल्यू क्या आई थी, जल्दी जल्दी बताइयो मेरे को। आदर्श, क्यू की वैल्यू आदर्श बोलेंगे मेरे को आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे कर लिए हैं, बताइए भाई। आदर्श जल्दी बताओ। सर थर्टी। थर्टी अरे यार थर्टी टू। थर्टी टू ठीक है। उसके बाद सी बनाया होगा, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, आग बन करके एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? छह। छे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने भाई? कितने? 32 माइनस 6 कितने? 26। यही तो सही है भाई। अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ऑक्टेट कॉर्नर का। बताना चाहिए ना क्यों आदर्श, क्यों 32 आया कैसे भाई, जरा समझाइए हमको 32 आएगा कैसे। आदर्श बेटा बोलो, सीखना पड़ेगा ना। तो गलत हो गया तो कैसे बोल दिया? हो गया ऐसा फिर ऐसे कैसे बोल दोगे? आपको लगता है कि हम पकड़ नहीं पाएंगे? भैया हम कहाँ, अरे सामने नहीं बैठे हो लेकिन फिर भी हमको कला पता है कैसे पकड़ा जाता है। ठीक है, कैसे पकड़ना है हमको पता है। तो आपको गलती ये कैसे कर सकते हो यार, ये तो बहुत सिंपल चीज है। कैसे, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बोलिए ना, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्यू की वैल्यू में दिक्कत आ रही है क्या? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल का 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, कितने है? 3। तो 6 3 18, 2 माइनस है तो प्लस 2, कितना आएगा? 24। बताओ इसमें समस्या आ रही है क्या निकालने में? बोलो। नो सर। तो क्यों गलत कर रहे हो बेटा? अब ये काम करने के बाद तुरंत है, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें? सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें?
बताओ सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ठीक है भाई कार्बन को बीच में रख दो सेंट्रल एटम, तीन ऑक्सीजन है तो आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो तीन के साथ, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आंख बंद कर लगा दिया। अब क्या है काम, दो दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो दो दो चार दो छह, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने सिक्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप करो ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सिक्स, ठीक, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 24 माइनस सिक्स कितने 18, ठीक। अब ये 18 का यूज हम दो काम में करते हैं, इस 18 इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स है, लिखना है कंफ्यूज हो लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं लिख लो, ठीक है। इस 18 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं हम दो काम में, पहला काम हमारा मुद्दा होता है कि ये जो कॉर्नर एटम का देखोगे आप, ऑक्सीजन जो कॉर्नर एटम है उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, अगर नहीं पूरा है तो इस 18 इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेके पूरा करो, बताओ आदर्श, आदर्श यस, ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है ये बताओ मेरे को, इस ऑक्सीजन का देखो, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है, यस और नो, टेल मी, नहीं है, नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, कितने, खुल के बोला करो यार, डर कम ज्यादा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक खुल के बोलोगे नहीं, अंदर की चीज नहीं निकलोगे निकालोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। आप डर के सोच रहे हो, अरे डरना क्या है भाई, ये दोनों ये बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए छह चाहिए, और चाहिए कि नहीं, यस और नो, यस सर, तो बोलो ना छह चाहिए सर, तो एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस वाले की भी स्थिति वैसी ही है, इसको कितने चाहिए जल्दी, इसको कितने चाहिए, छह, तो एक दो तीन चार पांच छह, अपने लॉट में इलेक्ट्रॉन देखते रहो है कि नहीं बचा, अभी बचा है अभी इलेक्ट्रॉन, 12 खत्म कर लिए तुमने, छह और बचे हैं, तो इसका भी दे दो, इसको भी छह चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह, अब हो गया काम तुम्हारा कॉर्नर वाले का, यस और नो, यस सर। अब जो भैया बीच में बैठा है उसका भी तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, उसका तो 8 से कम होना ही नहीं चाहिए, 8 से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन 8 से कम कभी नहीं होगा, तो देखो जरा उसका काम कितना है, उसका जरा देखो काम कितना बना है, बोलो बोलो बोलो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई ऑक्टेट में, कितने चाहिए अभी बताओ आदर्श, एक चाहिए, है कितने इलेक्ट्रॉन है, दो चार छह, दो और चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं, yes. दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप तीनों में से जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, ये दाहिने वाला बाएं वाला नीचे वाला, जो आपको पसंद हो उसका दो इलेक्ट्रॉन उतारो और डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, ठीक है, तो मैं आप इसका उतारता हूं दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और वो डबल बॉन्ड बना दिया, लो ऐसा बन गया, क्या कैसा बन गया सर देखिए जरा, ऐसा बन गया, ये कार्बन था बीच में, ये कार्बन था बीच में, इधर वाले ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड एक दो तीन चार पांच छह, इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा लो, और ऑक्सीजन के पे चार बच जाएंगे छह में से गए, तो एक दो तीन चार, उसके बाद नीचे वाले के साथ सिंगल ही रहेगा, तो कार्बन अरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच छह, अब ये बताओ इस कार्बन का भी काम हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी देखो हो गया कि नहीं हो गया बताइए, टेल मी, यस सर, हो इसका भी काम हो गया, इन ऑक्सीजन का भी काम हो गया, सबका काम हो गया, अब फॉर्मल चार्ज निकालोगे, फॉर्मल चार्ज निकालो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ, फॉर्मल चार्ज निकालो जल्दी जल्दी फुर्ती में, फॉर्मल चार्ज निकालिए, FC1,
एफ सी वन कितना हो जाएगा? 6। बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है अदर्स? बोलो, आप बोलोगे तो मैं करूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। बताइए, बोलिए। 6 फर्स्ट वाले का, 6 बोलो। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने है? 4। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने है? 4 डिवाइडेड बाय 2। डबल बॉन्ड बना रहा है ना तो 4 हो गए, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? एफ सी टू कितना आ जाएगा भाई? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। FC3 कितना आ जाएगा? FC3 कितना आ जाएगा? उसकी भी स्थिति इसी की जैसी है बस, तो 6 - 6 - 2/2 इज इक्वल टू -1। FC4 कितना आ जाएगा? कार्बन की आउटर मोशन में 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं, 0। ये बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, 4 मतलब 4 बॉन्ड है तो 4 × 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 0। बताइए भाई क्या समस्या है आदर्श? टेल मी सर। अब जहां पे -1 है यहां पे लग दो -1, इस वाले पे -1, अरे सॉरी इस वाले पे थोड़ी -1 होगा, इस वाले पे नहीं -1 होगा, -1 हुआ इस वाले पे और इस वाले पे, खत्म। तो टोटल चार्ज -2 था, वही है आ रहा। बताओ यस और नो? डाउट? किसको डाउट है? किसको डाउट है भाई? एनीवन? चलो ठीक है, डाउट है तो पूछ लो। आयुष? नो सर। कर लोगे, बना लोगे? अब आप लोगों का काम है SO4 2- बनाओगे, ठीक है, SO3 2- बनाओगे और CO3 तो बना ही लिया आपने, CO3 2- तो बना ही लिया, और SO4 2- और SO3 2- और बता रहे हैं, और आप लोगों को चलो आप ये दो ही बना के लाना, कल फिर हम अगला हम भेज देते हैं होमवर्क आप लोगों को, और होगा तो हम बना के हम भेज देते हैं, ठीक है, ग्रुप में भेज देते हैं, वो कर लेना आप लोग। ओके ओके सर, करके भेजना आपको, कर लेना, दिक्कत होगी तो पूछ लेना नहीं तो भेज देना, ठीक है, थैंक यू सर। एक्स्ट्रा क्लास है ही? नहीं बेटा अभी क्लास है मेरी 7 से 8, फ्राइडे सैटरडे को मेरी क्लास रहती है। चलो थैंक यू सर।